यूट्यूबर सौरभ जोशी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बनकर बदायूं के युवक ने 2 करोड़ की रंगदारी मांगी। आरोपित ने कॉलोनी में घुसकर एक युवक के माध्यम से सौरभ तक धमकी भरा पत्र पहुंचाया। पत्र में लिखा था, बॉस ने हमारी गैंग को 2 करोड़ रुपए नगद देने का आदेश दिया है, रुपए नहीं देने पर परिवार के एक सदस्य को जान की कीमत चुकानी होगी। सोमवार को पुलिस बहुउद्देशीय भवन में SSP प्रहलाद नारायण मीना ने बताया कि यूट्यूबर सौरभ जोशी हल्द्वानी की ओलिविया कॉलोनी रामपुर रोड में रहते हैं। रविवार को सौरभ ने कोतवाली में पहुंचकर पुलिस को बताया कि उन्हें अनजान व्यक्ति से धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में उन्हें और मेरे परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्र भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का बताकर 2 करोड़ की रंगदारी मांगी है। ये बात पुलिस व अन्य पारिवारिक सदस्यों को बताने पर घर के एक सदस्य के कम होने की धमकी दी है। शिकायती पत्र मिलते ही पुलिस ने आरोपित पर प्राथमिकी कर उसकी तलाशी शुरू कर दी थी। सोमवार को पुलिस ने रामपुर रोड स्थित ओलिविया कॉलोनी के पास से ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि वो 17 नवंबर की सुबह सौरभ जोशी की कॉलोनी में पहुंचा था। यहां एक युवक के माध्यम से पत्र सौरभ तक पहुंचाया गया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि नौकरी जाने से उसके पास पैसे नहीं थे, वो ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, इसीलिए उसने सौरभ जोशी को टारगेट किया। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में शॉर्टकट ट्रिप अपनाने की कोशिश की और सौरभ जोशी को धमकी भरा पत्र देने पहुँच गया। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।